हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नवा लेक्चर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर कंप्लीट किया है, तो जितने भी स्टूडेंट वो 8 लेक्चर नहीं देखे हैं और थियरी लेक्चर्स भी है, तो जितने भी स्टूडेंट वो लोग मिस कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारे अपडेट्स में डालता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या है कि आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में विक्षोभ के संचरण को कहते हैं, यानी कि डिस्टरबेंस को। द प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टरबेंस इन द मीडियम इज कॉल्ड, मीडियम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, तरंग, वेव, इंग्लिश में इसको वेव बोलते हैं। तो किसी माध्यम में विक्षेप को या फिर विक्षोभ को हम लोग वेव बोलते हैं या फिर तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव इज, व्हाट इज साउंड वेव, व्हाट इज साउंड वेव या फिर ध्वनि तरंगे क्या हैं। अनुदैर्ध्य होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, या फिर अनुप्रस्थ होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, या फिर अंशतः अनुप्रस्थ तथा अंशतः अनुदैर्ध्य। कुछ ट्रांसवर्स एंड कुछ लॉन्गिट्यूडिनल, कभी अनुप्रस्थ तथा कभी अनुदैर्ध्य होती है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ठीक है, ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग होता है, पानी की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है, वे प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह पर जो तरंग उत्पन्न होता है वो कौन सा तरंग होता है। प्रकाश तरंग होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, कभी अनुदैर्ध्य कभी अनुप्रस्थ। तो जो पानी की सतह पर तरंग उत्पन्न होता है उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, या फिर ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और अनुदैर्ध्य को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पानी की सतह पर ट्रांसवर्स वेव उत्पन्न होता है या फिर अनुप्रस्थ तरंगे बनती हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंग गति, द ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग गति क्या होता है। तो केवल श्रृंग के रूप में होती है, यानी कि क्रेस्ट के रूप में, केवल गर्त के रूप में होती है, ट्रो के रूप में होती है, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है। मामला सामना, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है, संपीड़न और विरलन के रूप में होती है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं, वो होती है आपका श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती हैं। तरंगे कैसे चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कैसे होती हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अकर्स एज बोथ क्रेस्ट एंड ट्रो। कैसे होती है तरंगे, सपोज करें कि ये हमारा बेस लाइन है, सॉरी, ये बेस लाइन है, तो तरंगे कैसे चलेंगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगी तो ऐसे चलेगा। तो ये हो गया क्रेस्ट, हो गया ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, यानी कि श्रृंग बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम लोग गर्त बोलेंगे, यानी कि ट्रो, गर्त बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग आयाम बोलते हैं या फिर तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को या फिर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, श्रृंग और गर्त दोनों के रूप में होती है अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 127 है कि एक अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव की रचना होती है, क्रिएशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, केवल कंप्रेशन के रूप में, कंप्रेशन से होती है, रेयरफैक्शन विरलन होती है, कभी संपीड़न और एक विरलन से होती है, एक श्रृंग और गर्त से होती है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा एक संपीड़न, एक कंप्रेशन एंड एक विरलन, एक विरलन एक रेयर फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अनुप्रस्थ में क्रेस्ट और ट्रो बनता है और अनुदैर्ध्य में लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन बनता है, संपीड़न और विरलन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल गैस में, ठोस द्रव गैस तीनों में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो तीनों में बनती है, सॉलिड सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों में बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठोस द्रव तथा गैस तीनों में बनती है। और जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है यानी कि ट्रांसवर्स तरंगे, वो केवल ठोस और द्रव में बनती है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं है। तो अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव ठोस द्रव गैस तीनों में बनती है, और अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठोस और द्रव में केवल बनता है। नेक्स्ट है आपका आवृत्ति का मात्रक है, द फ्रीक्वेंसी, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज होता है, या फिर इसको प्रति सेकंड भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, प्रति सेकंड भी इसका आंसर होता है, पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ध्वनि तरंग के आवर्तकाल का मान 0.01 सेकेंड है, ध्वनि की आवृत्ति है, द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज 0.01 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/T, 1/T। इसके लिए इसका मात्रक प्रति सेकेंड भी होता है, क्योंकि नीचे क्या है, सेकेंड है। तो 1/ क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, तो बराबर आंसर क्या आ जाएगा इसका, 100 प्रति सेकंड, या फिर इसको हर्ट्ज लिखिए, या फिर बराबर क्या लिख सकते हैं, पर सेकंड भी इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, फ्रीक्वेंसी बराबर होता 1/समय, 1/टाइम। नेक्स्ट है कि तरंग में स्थानांतरण होता है, द ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द वेव इज, तरंग में हमेशा ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, केवल ऊर्जा, केवल संवेग, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा, ऊर्जा और संवेग दोनों होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, ऊर्जा और संवेग दोनों का ट्रांसफर होता है तरंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 कि एक निर्वात पंखे पर 900 चक्कर पर मिनट लिखा हुआ है, तो उसकी आवृत्ति होगी, 900 चक्कर पर मिनट लिखा हुआ है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, ए वैक्यूम फैन इज रिटेन एज 900 साइकिल पर मिनट, देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आरपीएम बराबर 900 चक्कर पर मिनट आरपीएम दिया हुआ है यहाँ पे, तो रोटर पर मिनट यानी कि, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ बराबर 1/T होती है, टी यहाँ पे टी क्या होता है, पर सेकेंड में होता है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 900/मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आंसर आ जाएगा 15, 15 हर्ट्स या फिर 15 पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका कि एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग का नहीं बदलता है, व्हेन ए वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द वेव डज नॉट चेंज, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चेंज नहीं होता, आयाम,
तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। आयाम को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तरंग को वेव वेलोसिटी, तरंग दैर्ध्य को वेवलेंथ एंड आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा क्या चीज़ है जो माध्यम चेंज होने से भी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। माध्यम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि दो निरंतर श्रृंग या गर्तों के बीच की दूरी एल है तो उनका तरंग दैर्ध्य होगा। क्वेश्चन क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस हॉर्स एंड टॉर्स ट्रो इज एल, देन इट्स वेवलेंथ इज। यहाँ पे जो मैं बताया कि यहाँ पे ऐसे आगे चला जाएगा, तो क्या बोला दो, या तो इसके इसके बीच की दूरी क्या है एल है, दो श्रृंग के बीच की यानी कि क्रेस्ट के बीच की दूरी, या फिर इसके इसके बीच की दूरी एल है, दो गर्त के बीच की दूरी, दो ट्रो के बीच की दूरी एल है। तो पूछ रहा है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा। उसका तरंग दैर्ध्य, इस दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, एल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी तरंगे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करती हैं। वेव ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो तरंग होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या ट्रांसफर करती है, मतलब क्वांटिटी ट्रांसफर करती है, मात्रा को, तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ को ट्रांसफर करते हैं, या फिर वेग का ट्रांसफर करते हैं यानी कि वेलोसिटी का, या फिर ऊर्जा का। तो तरंगे क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ऊर्जा का ट्रांसफर करती हैं, बिना अपना स्थान चेंज किए वो ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रकाश तरंगे होती है, व्हाट इज लाइट वेव। लाइट वेव इज अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स, या फिर अंशतः अनुप्रस्थ, अंशतः अनुदैर्ध्य, कभी अनुप्रस्थ कभी अनुदैर्ध्य। तो जो इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश तरंगे जो होती है अनुप्रस्थ होती है यानी कि ट्रांसवर्स होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, अनुप्रस्थ होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि तरंग गति में कण के महत्तम विस्थापन को कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वेव मोशन इज कॉल्ड। तरंग गति में कण के या फिर पिंड के अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग आयाम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मैक्सिमम विस्थापन को हम लोग आयाम बोलते हैं या फिर मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है 138 नंबर की ध्वनि तरंग का वेग महत्तम होगा। ध्वनि तरंग का वेग मैक्सिमम कब होगा। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव विल बी हवा में, निर्वात में, एयर में, या फिर निर्वात में, वैक्यूम में, तरल में, लिक्विड में, ठोस में, सॉलिड में। तो ऐसा कौन सा मीडियम है जिसमें साउंड वेव यानी कि ध्वनि की स्पीड जो है मैक्सिमम होगी। ध्वनि ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, सॉलिड में। ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग गति नहीं करती है। ट्रांसवर्स साउंड वेव डज नॉट वो। अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो किस में गति नहीं करते, लोहे की छड़ में, हाइड्रोजन गैस में, स्नेहक तेल में, या फिर नायलॉन की डोरी में। तो अनुप्रस्थ तरंगों का मैंने बताया कि अनुप्रस्थ तरंगे गैस में, इस जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर होगा, गैस में गति नहीं करते, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगे किस में बनती है, ठोस और द्रव में केवल बनती है। ठीक है, तो स्नेहक तेल में क्या है, द्रव है, लोहे की छड़ ठोस है, नायलॉन की डोरी क्या है, ठोस है। तो ठोस और द्रव में तरंगे बनती है यानी कि गैस में यह गति नहीं करेगी, क्योंकि गैस में तरंगे बनती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस,
हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, केवल गैस दे सकता है या फिर मेथेन गैस दे सकता है, ऑक्सीजन गैस दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 है, अनुनाद पर हवा में स्थित कंपित वस्तु की आयाम हो जाती है एट रिजोनेंस, जब अनुनाद होता है यानी कि रिजोनेंस, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन एयर बिकम्स, कंपित वस्तु की आयाम होती है 0, 0, न्यूनतम, मिनिमम, अनंत, इनफाइनाइट या फिर अधिकतम, मैक्सिमम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जब भी अनुनाद होता है तो उस टाइम क्या होता है, पिंड का जो आयाम होता है वो मैक्सिमम होता है यानी कि अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 141 नंबर है कि एक खाली बर्तन को जल से भर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति होगी, एन एम्प्टी वेजल इज फिल्ड विथ वाटर देन इट्स फ्रिक्वेंसी इज, कोई एक बर्तन है खाली है, अगर उसमें हम पानी भर देते हैं, पानी भर देते हैं उस तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पानी भर देने से फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, इंक्रीज हो जाएगी, घटती है, डिक्रीज होगी, अपरिवर्तित यानी कि कांस्टेंट रहेगी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑप्टिज। तो अगर खाली बर्तन में हम कोई भी द्रव भर देते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, किसी तरंग की आवृत्ति 200 हर्ट्ज तथा तरंग लंबाई 4 मीटर है तो तरंग का वेग होगा, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज 200 हर्ट्स एंड द वेव लेंथ इज 4 मीटर देन द वेव वेलोसिटी विल बी। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। एक फॉर्मूला होता है तरंग का वेग, वेग बराबर क्या होता है, एन इंटू लेमडा होता है, लेमडा की जगह पे मैं आपको यहाँ पे अल्फा बनाता हूँ एट द रेट, आप लोग समझ जाना। तो एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। तो लेमडा फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया है, 200 इंटू तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, 4 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 800 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि वेलोसिटी इक्वल टू एन इंटू लेमडा, यानी कि वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। 143 नंबर देखिए कि एक प्रतिध्वनि का रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इको या फिर रिजोनेंस भी बोलते हैं इसको, प्रतिध्वनि को, व्हाट इज रीजन ऑफ इको, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है, जब भी आप लोग कभी देखते होंगे खुले जगह पे आप लोग कभी अगर तेज आवाज में चिल्लाते हैं तो सामने से, कभी कुएं में आप लोग चिल्ला के देखना कि जब आप लोग चिल्लाओगे तो आपकी आवाज़ वापस आएगी, वापस आपको आके सुनाई देगी। तो पूछ रहा कि इसका क्या रीजन है कि ध्वनि वापस आती है, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ एंड ध्वनि का परावर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, टक्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन, वापस आ जाती है, कि ध्वनि एक दीवार से या फिर किसी भी मीडियम से टकरा के वहाँ से वापस आ जाती है। और इसके लिए इको उत्पन्न करने के लिए क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, यहाँ पे मैंने दिया नहीं है कि मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए दीवार की, तो 17 मीटर, अगर 17 मीटर डिस्टेंस है तो वो ध्वनि आपको वापस आके सुनाई देगी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144 कि मानव मस्तिष्क में सुनी गई ध्वनि का प्रभाव लगभग कितनी देर तक रहता है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ ए साउंड हियर इन द ह्यूमन ब्रेन। लास्ट मीन्स कि अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ तो आप लोग अगर मेरा आवाज़ सुनेंगे या फिर कोई भी बोलता है तो वो आवाज़ आपकी कान पे कितने सेकंड तक बना रहता है, या फिर आपकी दिमाग पे या फिर आपके कान पे कोई कुछ बोलता है तो वो कितने सेकंड तक बना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/10, 1/10 सेकंड तक आपकी कान पे बना रहता है।
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक वो अपने कान पे बना रहता है कोई भी आवाज़। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, तो आप लोग पुराने वीडियोज़ भी और बाकी वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिलेगा। और मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।